तो यार काफ़ी बार क्या होता है, हम इंस्टाग्राम पर स्टोरी वगैरह देखते रहते हैं और यार उस स्टोरी पर एक ब्लास्ट टाइप का इफ़ेक्ट आ जाता है, कुछ इस तरीके का। यदि आप भी जानना चाहते हैं ये इफ़ेक्ट कहाँ से लगाया जाता है इंस्टाग्राम स्टोरी पर, और आप भी अपनी स्टोरी पर ये इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस टाइप का ब्लास्ट इफ़ेक्ट आप अपनी स्टोरी पर कैसे लगा सकते हैं, जानेंगे भाई इसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कोई ऐसा इफेक्ट वगैरह नहीं है, इसे हम बोल सकते हैं काउंटडाउन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप किसी की भी स्टोरी पर ये वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उसकी स्टोरी लगा लेना है। चलिए मैं इंस्टाग्राम तो ओपन कर ही चुका हूँ और आपको एक स्टोरी लगा के भी दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ, और उस पर एक इफेक्ट भी लगाऊंगा जो कि ब्लास्ट टाइप का आता ना भाई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है उसे देख के। तो चलिए स्टोरी पर मैं क्लिक करता हूँ और एक स्टोरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है जो कि आपको देखने को मिल रही होगी। फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सॉन्ग वगैरह जो भी लगाना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको इफेक्ट वगैरह कोई भी लगाना है यहाँ से, सो वो इफेक्ट वगैरह आप यहाँ से ईजिली से लगा पाएंगे। फिर आपको क्या करना है, ये जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो कुछ इस टाइप का पॉपअप आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा काउंट डाउन, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है, और जैसे ही मैंने क्लिक किया सो आपका जिस भी पर्पस से ये स्टोरी लगाना चाहते हैं आपको वो टाइप कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बर्थडे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया बर्थडे, अब यहाँ पर जो 00 टाइम है ना, तो भाई आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, और नीचे की साइड में ऑल डे लिखा है और ये इनेबल है ब्लू कलर से, तो हम इसे ऑफ कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, अभी जितने भी बज रहे हैं आपको उतना टाइम यहाँ सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि अभी मेरे में हो रहा है 10:14, तो हम 1 मिनट बाद का यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। सो देख सकते हैं यहाँ पर 1:30 का टाइम बता रहा है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यदि आपको सिर्फ इफ़ेक्ट वगैरह चाहिए तो आपको इसे कहीं पर भी मतलब छुपा देना है, तो मैं यहाँ पर नीचे हाइड कर देता हूँ। और आपको क्या करना, जो भी आप यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने हैप्पी लिख दिया है, और इसे साइड में कहीं पर भी मतलब लगा दूंगा। तो फिर आपको क्या करना, अब देखिए यहाँ पर वो ब्लास्ट वाला इफेक्ट तो नहीं आया, अब आपको क्या करना है, ये स्टोरी आपको लगा देनी है, मतलब इसे आप पब्लिक कर दीजिए। और जैसे ही 10:15 होंगे, जो भी हमने काउंटडाउन वाला में टाइम वगैरह सेलेक्ट किया होगा, तो वहाँ पर जैसे ही वो टाइम होगा तो हमारी स्टोरी आसानी से लगेगी, और भाई वो ब्लास्ट वाला ऑप्शन ज़रूर से आएगा, वो इफ़ेक्ट बहुत ही शानदार आएगा। चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी 10:16 हो चुके हैं। चलिए हम वापस से आ जाते हैं इंस्टाग्राम पर और भाई देख लेते हैं कि अब ब्लास्ट वाला ऑप्शन हमारी स्टोरी पर आया या फिर नहीं। चलिए यहाँ पर जैसे ही मैंने स्टोरी पर क्लिक किया सो देख सकते हैं आप यहाँ पर ब्लास्ट वाला ऑप्शन जो है हमारी स्टोरी पर लग चुका है, और इसी तरीके से आप ब्लास्ट वाला ऑप्शन आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी टाइप की इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। वैसे मेरी मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।